हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम गर्भवा क्रांति शारीर पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं अपरा निर्माण। अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा, निर्माण का मतलब होता है किस तरीके से बनती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार अपरा निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ रखा है अपने 12th क्लास में, लेकिन आयुर्वेद किस तरीके से बोलता है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, और इन पॉइंट्स को तुम्हें याद करना है और एग्जाम में यही पॉइंट्स लिख कर आने हैं। इससे ज्यादा भी तो अपनी बुक से देख सकते हो कि बस ये एक नोट्स तुम्हें समझाने के लिए है, लेकिन तुम्हें पूरी डिटेल में अपनी बुक्स खोलनी ही पड़ेंगी। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में गर्भिणी स्त्री के आर्तव्य स्रोतसों, यहाँ मैं से अंडरलाइन कर देता हूँ, आर्तव्य स्रोतसों का गर्भ द्वारा अवरोध होने पर गर्भिणी स्त्री आर्तव स्त्राव नहीं होता है। गर्भिणी स्त्री का मतलब क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मेंसुरेशन जो ब्लड है उसका अवरोध होता है, और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मेंसुरेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अब गर्भ बन चुका है, गर्भ के द्वारा अवरोध होता है, क्योंकि बेबी बनने लगा है। जब बेबी बनने लगा है तो मेंसुरेशन ब्लीडिंग वो रुक जाती है। आगे क्या लिखा है इसके अंदर, इस तरह वह आर्तव नीचे से अवरोध होने पर ऊपर की ओर आकर अपरा का निर्माण करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया, हमारा यूट्रस हो गया है, जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यूट्रस हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम होती है लास्ट वाली लेयर। अब एंडोमेट्रियम क्या होती है, हर महीने शेड ऑफ हो जाती है, और इसका जो मेंसुरेशन ब्लड होता है, इसी को हम मेंसुरेशन ब्लड बोलते हैं, और ये नीचे आ जाता है और वजाइना के थ्रू आउट हो जाता है। लेकिन जब गर्भ बनने लगता है, गर्भ मतलब यहाँ पर बेबी बनने लगता है, तो ये जो है यहाँ से टूट कर नीचे ना जाकर ये यहाँ से हटकर बेबी के पास जाने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। यहाँ से शेड ऑफ नहीं होती, ये ऊपर की तरफ जाने लगती है। क्यों जाने लगती है, क्योंकि इसका जो गर्भ है, गर्भ इसका अवरोध करता है, मतलब गर्भ की वजह से ये शेड ऑफ होके नीचे नहीं जाती, ये ऊपर की तरफ जाती है। और इसी से क्या होता है, बेबी के बीच में और यूट्रस के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, और इसी कनेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, अपरा, मतलब इसी को हम प्लेसेंटा बोल देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, इस तरह वे आर्तव नीचे से अवरोध होने पर ऊपर की ओर आकर अपरा का निर्माण करता है। सिंपल है, आगे क्या लिखा है, ये अपरा 3 मास में बनकर पूर्ण हो जाती है। ये भी हमने बात पढ़ रखी है, 3 मंथ्स में जो प्लेसेंटा होती है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है। आगे, इस अपरा के 2 पृष्ठ होते हैं, मतलब इसके 2 भाग या 2 एंड कह दो तुम। एक होता है भ्रूण की साइड, भ्रूण मतलब होता है चाइल्ड, एक होता है बेबी की साइड इसका एंड, और दूसरा होता है गर्भाशय, मतलब दूसरा होता है यूट्रस से कनेक्ट। सही है ना, एक तो बेबी से कनेक्ट होगा उम्बिलिकस से, और दूसरा कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम से ही कनेक्ट होगा यूट्रस, यूट्रस से, मतलब यूट्रस से कनेक्ट होगा एंडोमेट्रियम के थ्रू। तो ये सब हो गया अपरा निर्माण के बारे में। अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है तो तुम अपनी बुक खोल कर देख सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो इसका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यही रहेगा, बस कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं तुम्हारे यहाँ पर, बाकी तुम अपनी बुक्स में देख सकते हो इस पर, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है। अब आगे अपरा के कार्य है, सबको पता है प्लेसेंटा के क्या क्या वर्क फंक्शन होते हैं इसके, जैसे गर्भ का पोषण करना, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, गर्भ का सफशन करना, सफशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन, सांस दिलवाना, रेस्पिरेशन करवाना, मलोत्सर्ग करना, मतलब एक्सक्रीशन करवाना, ये सारी बातें हमें पता है, बस हमें हिंदी में जान रही है। एक तरीके से ये सोच लो तुम, जो तुमने सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं वही चीज़ तुम दोबारा पढ़ रहे हो, बस तुम्हारी एक तरीके से लैंग्वेज में ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ 50% ही सिमिलर रहेगा, बाकी 50% जो है आयुर्वेद के ही कंसेप्ट तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तुम अष्टांग हृदय पढ़ रहे होंगे, तुम्हें अष्टांग हृदय में पता चल रहा होगा कि आयुर्वेद के कंसेप्ट मॉडर्न से अलग है, लेकिन फिर भी 50% कंसेप्ट जो है वो कोरिलेट करते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर, रक्त संचार में सहायक, जो सर्कुलेशन होती है फीटल सर्कुलेशन, उसमें सहायक होती है हमारी प्लेसेंटा। अगर मैंने वीडियो बना रखी है पूरी फीटल सर्कुलेशन के ऊपर, अगर तुमने नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, तो वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर, स्तनों में वृद्धिगत कार्य में सहायक, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, हॉर्मोनल चेंजेस, हॉर्मोनल चेंजेस, जब हॉर्मोनल चेंजेस होंगे तभी तो हमारा मिल्क कप फॉर्मेशन होगा, तो यहीं ये बात लिखी है, स्तनों में वृद्धि का करके उसमें कार्य में सहायक होता है, जो मिल्क बनता है उस मिल्क को बनाने में हॉर्मोन जो चेंजेस होंगे वो प्लेसेंटा से ही रिलीज होंगे। ठीक है,
तो ये हो गया सारा हमारा अपरा निर्माण के बारे में। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।